सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। करबला गाम शाह पर सिक्योरिटी जायजा लेने के बाद उनका कहना था कि जिले इंतजामिया और पुलिस के इंतजामात बहुत अच्छे थे। इमरान मलिक मजीद बताएंगे। जी इमरान मलिक। जी बिल्कुल नवीद निजामी, चूंकि जो है जुलूस अख्ताम पजीर हो चुका है और वजीर सनत व तजारत मियां असलम इकबाल, कमिश्नर लाहौर डिवीजन डॉक्टर मुस्तफा पराचा और डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अनवर उलग और डीआईजी ऑपरेशन शहजाद अकबर ने मेट्रो बस रूट करबला गामशाह के ऊपर खड़े होकर तमाम तर रूट की निगरानी किया और तमाम तर इंतजाम का गाय बगाय जायजा लेते रहे। और इस हवाले से उनका ये कहना था कि मरकज जुलूस के मुंतजिम ने सिक्योरिटी व दीगर इंतजाम पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। जिले सतह पर कंट्रोल रूम से तमाम मुतलका महकमे हाई अलर्ट रहे हैं और इस हवाले से ये जो पॉलिसी है बड़ी अच्छी रही है। मरकजी जुलूस की सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल गाड़ियों पर नस्ल कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जा रहा था, जिस पर उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि तमाम जितना भी पूरे शहर लाहौर की जितनी भी जहां पे भी जुलूस और ये खासकर जो निसार हवेली का मरकजी जुलूस था वो अपने इंतजाम पजीर हुआ है और कोई भी ऐसा वाकया रूनुमा नहीं हुआ, जिस पर तमाम तर जितने भी मुतलका अलाइड महकमे हैं उनको क्रेडिट जाता है। उन्होंने बड़े अच्छे इंतजाम किए हुए थे, जिस पर उन्होंने कमिश्नर लाहौर डिवीजन डॉक्टर मुस्तफा पराचा, डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अनवर उलग और डीआईजी जो है शहजाद इकबाल अकबर, उनका शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने कहा कि जिले इंतजामिया और पुलिस के इंतजाम बहुत अच्छे थे।